आपसे एक बात करनी है। बोलो। मैं जॉब करना चाहती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, अपनी पढ़ाई करो अभी। अम्मी साथ साथ पढ़ाई होती रहेगी। देखो बेटा, जॉब वगैरह के चक्कर में ना पड़ोगी, बिना वजह तुम्हारी पढ़ाई का खर्च होगा। अपनी पढ़ाई फोकस करो। लाखों रुपए का कर्जा है हमारे ऊपर, शहजाद की जॉब भी चली गई है, मामू की तरफ से हमें कुछ नहीं मिलने वाला अम्मी। और अब्बू, वो आपके नाम पे कर्जे पे कर्जा लिए जा रहे हैं। अम्मी, आपकी सिलाई मशीन हमारा ये कर्जा नहीं उतार सकेगी। मैंने सोया से कहा है कि वो अपने अब्बू से बात करें जॉब के सिलसिले में। तुमने मुझसे इजाजत लिए बगैर बात कर ली? अब जब बात कर ली है तो बता भी क्यों रही हो मुझे तुम अरूसा? अम्मी, मैं कोई अहमियत नहीं मेरी इस घर में, कोई अहमियत नहीं मेरी इस घर में। जब जिसका दिल चाहता है जॉब कर लेता है, जब जिसका दिल चाहता है जॉब छोड़ देता है। क्या इज्जत है मेरी तुम लोगों की नजर में? कोई हैसियत नहीं, ना मेरे फैसले की ना मेरी मर्जी की। सब तुम सब अपनी मर्जी के मालिक हो, करो जिसको जो करना है वो करो। ऐसी बात नहीं है अम्मी। क्या ऐसा नहीं है? ना कोई मुझे अहमियत देता है और ना ही कोई इज्जत देता है। अम्मी, ये क्या बात कर रही हैं? आपके बगैर ना हमारी इज्जत है ना अहमियत। आप खुद को कमतर मत समझे। कमतर? तमाम उम्र तुम्हारे बाप ने मुझे अपने पैर की जूती समझा, मेहनत करके सिलाई करके इस घर का खर्चा चलाती रही। क्रेडिट मिलना तो बहुत दूर की बात है, कभी सर भी नहीं उठाने दिया। कभी कोशिश की सर उठाने की तो फौरन झुका दिया गया। ये है मेरी इज्जत, ये है मेरी अहमियत। अम्मी, जिनके सर खुद झुके हों वो दूसरों के सर उठे कहां देखते हैं? आप मेरा मान है, मेरा फखर है। जो आपकी कुर्बानियों का एतराफ नहीं करते वो खुद कमतर, कमजोर और एहसान फरामोश है। ये बताओ, तुम्हारी पढ़ाई का खर्च तो नहीं होगा ना? अम्मी, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। और अगर आप इजाजत ना देती तो मैं ये जॉब कभी नहीं करती और शायद पढ़ भी ना पाती, क्योंकि घर की फाइनेंशियल क्राइसिस मुझे पढ़ने नहीं देती। मेरी जान, काश काश साहिम और शहजाद भी तुम्हारी तरह सोचते, कितना अच्छा होता। बहरहाल, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब करे मेरा बच्चा। Thank you, Mimi.